मेरे साथ राजेश पलविया साहब इस समय मौजूद हैं। पलविया साहब नमस्कार। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय क्या मार्केट को लेकर, और एक स्टॉक आपको बताना पड़ेगा अभी शो की शुरुआत में जहां पर आप बेट लगा रहे हैं पॉजिटिव साइड पर, जो सीरीज के स्टार्ट में चढ़ेगा। सर नमस्ते रजत जी। रजत जी, मुझे मैरिको यहाँ से एक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हम देखें तो इसमें पूरे मंथ में एक अच्छा कंसोलिडेशन एक्शन देखने को मिला है, और मुझे लगता है ये सीरीज के स्टार्ट में ये स्टॉक में एक अच्छा एक्शन देखने को मिलना चाहिए। यहाँ से 328-332 तक के टारगेट हमें इमीडिएट देखने को मिलना चाहिए। सो 315 के स्टॉक लॉस से मैं एडवाइस करूंगा कि ये स्टॉक बाय करना चाहिए करंट लेवल पे, 328-332। जी मैरिको। ओके, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर, जो आपने बोला मैरिको में आप तेजी समझ रहे हैं, सेटअप आपको लगता है स्ट्रांग है, और यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो 332 के हैं। 332 का टारगेट रखें मैरिको पे, और स्टॉप लॉस आपको 315 की रेंज पे यहाँ पर लगाकर चलना होगा। लेकिन मार्केट्स पे अप्रोच क्या है सर? जिस तरीके की रोल ओवर फिगर्स है, 60% हम देख चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले नितिन जी से बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे परसेंट के लिहाज से तो ठीक है, रोल ओवर अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन क्वांटम ओपन इंटरेस्ट बड़ा कैरी नहीं हो रहा है नेक्स्ट सीरीज के लिए। मतलब क्या निकालें, क्या तेजी के सौदे हैं, मंदी के सौदे हैं, मार्केट किस और जाएगा सर? जी, अगर देखें तो पूरी सीरीज में जिस तरीके का डेटा, जिस तरीके से डेटा बिल्टअप हुआ था, और ऑलमोस्ट एक्सपायरी उसके नजदीकी हो रही, 10,500 जो एक मेजर कॉन्सेंट्रेशन था और हम उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं और वहीं एक्सपायरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 10,500 के ऊपर अगर हम ये सीरीज की शुरुआत करते हैं तो ये रैली कंटिन्यू रहना चाहिए। 100-200 पॉइंट का और हमें अप मूव देखने को मिलना चाहिए, जो कि 10,600-10,700 तक का मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। और नीचे में जिस तरीके से आप बता रहे, रोल ओवर एक्शन इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, बट आज का भी अभी जो आज का एक्सपायरी है उसके बाद एग्जैक्ट फिगर मालूम पड़ेंगे एग्जैक्टली किस तरीके से रोल ओवर हुआ है फाइनल। सो फिर भी मुझे लगता है कि 10,400 यहां से एक अहम सपोर्ट बना रहेगा, और जब तक मार्केट उसके ऊपर रहेगा तो हमें 10,600-10,700 के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलना चाहिए। अच्छा राजेश जी, वैसे तो मैं सुबह से ये सवाल जो भी इस चैनल पे आ रहे उनसे पूछ रहा हूँ, ये ADAG शेयर्स जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में चढ़ गए, आपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया जाए आर कॉम पे, क्योंकि अभी तो प्लेज शेयर्स छुड़वाने की खबर भी रिलायंस कम्युनिकेशन पे आ गई है, स्ट्रॉन्ग मूव ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन रेस्ट ऑफ द ADAG पैक देखिए इस सीरीज के कंप्लीटली आउट परफॉर्मर साबित हुए हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक, 164% तो रिलायंस कम्युनिकेशन खुद चढ़ा है। क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स पे? अगर ADAG में आरकॉम की बात करें तो जो एक इसमें न्यूज फ्लो बना है, जो कि पॉजिटिव टर्नआउट हुआ इस स्टॉक के लिए फंडामेंटली, उसके कारण से इसमें एक हमें अच्छा तेजी का मूव देखने को मिला है, और ये स्टॉक जिस तरीके से बिहेव कर रहा है मुझे लगता है ये स्टॉक में और कंटिन्यूशन में यहाँ से 37-38 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक इसका नेक्स्ट हर्डल होगा, मजबूत हर्डल है वो 37-38 का। तो यह स्टॉक मुझे लगता है वहां कहीं जाके थोड़ा सा इसकी तेजी यहाँ पर थमनी चाहिए, कुछ प्रॉफिट बुकिंग वहां इनिशिएट होनी चाहिए। चलिए, पहले व्यूअर इनफैक्ट उन्होंने SMS किया है अहमदनगर से, महाराष्ट्र से, ये हमारे साथ लाइन पे हैं। सर नमस्ते, पूछिए अपना सवाल पूछिए आप। हाँ सर, मेरे पास में HDFC बैंक का कॉल लिया हुआ है जनवरी सीरीज का, 19 रुपए पे लिया है, 1900 की कॉल। अच्छा, 1900 की कॉल जनवरी का है ना, तो आपके पास ठीक है टाइम है अभी। अच्छा चलिए ठीक है, ये एक बार स्ट्राइक 1900 की आपने बताई ना, और 20 रुपए 20.5 रुपए के आसपास का सौदा। चलिए ठीक है, बताएं पलविया साहब क्या करना चाहिए, 20.5 रुपए के आसपास 1900 की कॉल उठाई हुई है उन्होंने HDFC बैंक की, इसको ट्रेड कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, तेजी पकड़ेगा HDFC बैंक? जी हाँ बिल्कुल, HDFC बैंक में इन्हें बने रहना चाहिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लास्ट मंथ भी इसमें दिसंबर में भी हमें अच्छी एक तेजी देखने को मिली थी, अभी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये 1940-1950 तक के टारगेट जनवरी सीरीज में देखने को मिलेंगे, तो इसमें बना रहना चाहिए, 1855 यहाँ से स्टॉप लॉस एडॉप्ट करना चाहिए और 1940 के टारगेट के लिए इसे ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, जो आपको स्टॉप लॉसेस बताए गए हैं आप ट्रेल करते चलिए स्टॉप लॉसेस, यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये और एक्टिव होगा, एक्सिस सिक्योरिटीज की राय है, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, या फिर जो आपने 1900 की कॉल ले ली है उस पर आप बरकरार रहिए। मेरे साथ सौरभ जी मुंबई से हैं लाइन पे। सौरभ जी नमस्कार। सौरभ सुन पा रहे मुझको आप? जी जी सुन पा रहे। हाँ सवाल पूछिए सर। हाँ, मेरे पास दरअसल दो ऑप्शन के कॉल्स थे, एक DLF 250CE है करंट एक्सपायरी का 3.40 रुपए के भाव पे, और अदानी पावर 40CE 1.10 रुपए के भाव पे है ये एक्सपायरी का, उस पर अगर आपका सजेशन जान सके तो अच्छा रहेगा। एक बार अदानी का तो 40 रुपए की स्ट्राइक है, कितने में खरीदी सर? 1.10 रुपए।
अच्छा, पहले ये डीएलएफ पे बात हो जाए, क्योंकि जो आपने यहाँ पर हमें मेंशन किया है वो है 250 की कॉल और ये है 3.45 रुपए, और ये ट्रेड है आपके फेवर में, क्योंकि यहीं पर भी कट जाता है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लगभग दोगुनी तो होगी एटलीस्ट। तो मैं एक बार पूछ लूँ राजेश जी, क्या करना चाहिए डीएलएफ? इनफैक्ट ये आज की कॉल है, तो आपको क्या लगता है मैक्सिमम अपसाइड पोटेंशियल डीएलएफ पे कितना है? 3.5% के रिटर्न एक्सपायरी वाले दिन दे चुका है, ये अभी ट्रेल करते चले अपने स्टॉप लॉसेस को गया आज? जी हाँ बिल्कुल, ट्रेल करना चाहिए, और अभी यहाँ से कैश मार्केट प्राइस के हिसाब से 257 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। सो मुझे लगता है यहाँ से इनको 250-450 का स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है लास्ट हाफ एन आवर में और तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, इसमें 265 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है ये स्टॉक, क्योंकि पूरी सीरीज में इसमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि इसमें लास्ट हाफ एन आवर में और तेजी कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, और दूसरा ये अदानी पार, इस पे भी इनका लेवल बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है मेरे को, 40 की स्ट्राइक उठाई हुई है लेकिन 1.10 रुपए पे उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। अदानी पार पे क्या करना चाहिए बता दीजिए। जी अडानी पावर में भी बने रह सकते हैं, यहाँ से स्टॉप लॉस 40 रुपीज का रख के ही इसमें ट्रेड होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें भी एक हमें अप मूव देखने को मिलना चाहिए एक्सपायरी के चलते, 42.5-43.50 तक का लेवल देखने को मिलेगा, तो 1-2 रुपए का और तेजी का मूव देखने को मिल सकता है। 40 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए इसमें। अच्छा, दोनों सौदों पे बने रहने की सलाह है सर, रिस्क आपका है लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को अगर ट्रेल करते चलेंगे ना तो फिर ज्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा, और अगर मार्केट्स पे कोई नीजक रिएक्शन आया यानी कि गिरावट आई तो ऑटोमेटिकली आपके सौदे कट जाएंगे। ठीक सौदे नजर आ रहे हैं अभी तक के ट्रेड के हिसाब से, तो होल्ड कर सकते हैं। के एस राव साहब मेरे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से। राव साहब नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। सर मेरा फेडरल बैंक का जनवरी फ्यूचर है 111 पे, और जी एंटरटेनमेंट का सर ऑप्शन है 320 का जनवरी का। नहीं खरीदना है आपको अभी जी एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट लिया सर 7.5 में। अच्छा चलिए ठीक है, दोनों पे राय दिलवाते हैं, फेडरल बैंक और जी एंटरटेनमेंट, दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं राजेश जी आपको? जी फेडरल बैंक अगर जनवरी सीरीज में लिया है तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये स्टॉक का जिस तरीके से अभी कंसोलिडेशन इसमें देखने को मिला है अभी भी इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं हो पाया है। स्टॉक अगर 111 का ब्रेकआउट कर लेता है जनवरी सीरीज में हमें, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में रैली कंटिन्यू होना चाहिए 115-118 तक की। सो पोजिशनल बेसिस पे मैं उन्हें एडवाइस दूंगा कि इसे होल्ड करें, 107 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 118-120 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं जनवरी सीरीज में। और राजेश जी जी एंटरटेनमेंट हमारे ही ग्रुप से जी लिमिटेड पॉजिटिव लग रहा है मुझे लगता है। जी जी हाँ, तो जी लिमिटेड में भी इन्हें बने रहना चाहिए। मुझे लगता है इसमें यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे 595 एक पहला टारगेट है, 595 का अगर ब्रेकआउट ये स्टॉक देता है तो 615-620 तक के टारगेट भी हमें इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 575 का स्टॉप लॉस रख के इन्हें पोजिशन होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो आपको बताया जा रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और होल्ड करने की सलाह, अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है एक्सेस सिक्योरिटीज की राय है जी एंटरटेनमेंट पे। और इनफैक्ट ये बता दूं आपको कि हमारे ही ग्रुप समूह की कंपनी है, हालांकि यहाँ पर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन बाजार में यहाँ पर जिस तरीके की तेजी बनती हुई नजर आ रही है उसमें रिलायंस कैपिटल एकदम से यहाँ पर जो तेजी है वो और बढ़ गई है, बीते कुछ आधे घंटे में अच्छी तेजी, और रिलायंस इन इंफ्रा इनफैक्ट इस स्टॉक में भी लोअर लेवल से खरीदारी है। एक स्टॉक फिर से ट्रेड में आ रहा है वो है डीएलएफ, इस स्टॉक में अभी हम बात कर ही रहे थे और ये दिन के उच्चतम स्तर के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया। रिलायंस कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर राजेश जी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर ये आज के ट्रेड के हिसाब से बताएं सर कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या किया जाए? जी मैं रिलायंस इंफ्रा के साथ जाना चाहूंगा, अगर यहाँ से किसी को बाय पोजीशन बनानी है इन दोनों स्टॉक्स में से तो रिलायंस इंफ्रा एक अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसने इमीडिएट बेसिस पे 548 का ब्रेकआउट दिया है, और ये स्टॉक अगर 548 के ऊपर कंटिन्यू रहा तो मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट 565 इसमें इमीडिएट देखने को मिल सकता है आज के सेशन में। सो 548 छोटा सा स्टॉप लॉस है, 560-65 के टारगेट के लिए इसे बाय करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि इकॉनमी आखिर किस करवट बैठेगी, और इस समय हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं सुरेश प्रभु जी, कॉमर्स मिनिस्टर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए, और नए साल से पहले ये समय जी बिजनेस को देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा कि वर्ल्ड ट्रेड में अब ये बताएं कि भारत का योगदान बढ़ाने के लिए किस तरीके के फैसले आगे लिए जाएंगे, सरकार की क्या योजनाएं हैं सर? वर्ल्ड ट्रेड का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो,
और उसको हासिल करने के लिए क्या क्या लक्ष्य करने चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट कौन से मार्केट में जाएंगे उसके लिए मार्केट रिसर्च हो रहा है. उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं. साथ ही में आने वाले दिनों में हम एक बायलैटरल और मल्टीलैटरल WTO हो या बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो, उसका एक डन हमारे ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं. और मुझे लगता है इस दिशा में भी बड़ी मात्रा में 2018 में आप देखेंगे बहुत काम 2018 में हम करके दिखाएंगे. चलिए उम्मीद करते हैं जो सरकार योजनाएं बना रही है और वर्ल्ड ट्रेड में जो हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है उस पर नई पॉलिसीज भी आती हुई नजर आए. लेकिन ये एक्सपोर्ट, ये एक दिक्कत है सर इंडियन एक्सपोर्ट्स. अभी जो हाल फिलहाल के जितने भी डेटा पॉइंट्स निकल के आए हैं, एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए आप क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, स्पेसिफिकली लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्पेशल पैकेज दिए हैं सरकार ने, उस पर आपके क्या रणनीति है? हमारे एक्सपोर्ट के लिए तो हम लगातार प्रयास में लगे हुए. जब मैं मंत्री बना उसी बाद ही फौरन हम लोगों ने GST के लिए उनको राहत दी. बाद में उनके लिए एक पैकेज बनाया गया. आज हमने लेदर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज बनाया 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा. आने वाले टेक्सटाइल के लिए हम लोगों ने पैकेज बनाया, उनके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में हम लोग उनको मदद करें. हमारी टी इंडस्ट्री, कॉफ़ी इंडस्ट्री, स्पाइसिस इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, इनको भी बढ़ोतरी देने के लिए एक पैकेज बनाया जा रहा है. तो मुझे लगता है सभी क्षेत्रों में मिलकर हम काम करेंगे. राइट सर, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से जी बिजनेस को समय देने के लिए और बात करने के लिए कि रणनीति आखिरकार क्या है सरकार की, और खासतौर से एक्सपोर्ट्स को लेकर और वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर क्या कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं. लेकिन चाय, कॉफी और रबर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं. और इस पे और बात करने के लिए मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ इसमें मौजूद हैं. सुमित, बताएं सरकार की पॉलिसीज क्या है और क्या कुछ अहम पैकेज कुछ देने का ऐलान हो सकता है क्या? शुक्रिया रजत. देखिए, अभी कुछ देर पहले आप सुरेश प्रभु से बातचीत भी कर रहे थे, उनका ही ये कहना है कि चाय सेक्टर जो है उसके लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है. और ये चाय सेक्टर के साथ साथ ना केवल चाय को बल्कि मसालों को, रबर को, इस पूरे सेक्टर को लेकर कुछ बड़े घोषणाएं, बड़े ऐलान, बड़े राहत पैकेज की घोषणा सरकार कर सकती है. जो राहत पैकेज रहेगा वो टेक्सटाइल की तर्ज पर रह सकता है. आपको याद ही होगा अभी कुछ दिन पहले 2600 करोड़ रुपए के एक टेक्सटाइल पे राहत पैकेज की बातचीत यहाँ पर सरकार ने की थी, और उसी तर्ज पे या टेक्सटाइल और लेदर की तर्ज के ऊपर अब सरकार जो है वो शायद पैकेज दे सकती है. टी और रबर स्पाइसेस स्पेस को लेकर भी एक क्रूशियल खबर उन सभी कंपनियों के लिए है, क्योंकि इस पूरे सेक्टर में काफी समय से जो प्रोडक्शन है उसको लेकर दिक्कतें आ रही थी. तो प्रोडक्शन को लेकर जो दिक्कतें हैं अगर वो दूर होती करनी है सरकार को, या सेक्टर को अगर एक्सपोर्ट कंपटीटिव बनाना है, तो उसके लिए सरकार जो है शायद आने वाले समय में एक राहत पैकेज दे सकती है. बजट में हो सकता है इसको लेकर कुछ एक घोषणाएं सरकार की से आते हुए दिखाई पड़े, और बजट से पहले भी सरकार इसकी कुछ एक घोषणा कर सकती है. उनका यह भी कहना है कि रबर और मसालों को लेकर, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और इंडियन इकोनॉमी को एक अच्छे एक्सपोर्ट लेवल पे प्रोवाइड कराने के लिए ये सेक्टर जो है ये काफी हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो शायद इसीलिए सरकार इसी तर्ज पर देखते हुए एक पैकेज की घोषणा कर सकती है, और ये पैकेज टी, स्पाइसेस, रबर इनको लेकर कर सकती है. और हो सकता है जो पैकेज है इसकी घोषणा लेदर स्पेस और टेक्सटाइल के 2600 करोड़ और 4000 करोड़ रुपए के आसपास के जो पैकेज है उसके आधार पे होता हुआ दिखाई पड़े. और एक क्रूशियल चीज ये भी है कि हो सकता है जो पूरा सेक्टर है उसको आसान शर्तों पे कुछ कर्ज जो है वो भी मुहैया कराते हुए दिखाई पड़े. तो एक बड़ी घोषणा बजट में सरकार इन स्पेस को लेकर कर सकती है, और एक बड़े राहत पैकेज की उम्मीद आप इस सेक्टर में लगा सकते हैं आने वाले समय में. बहुत शुक्रिया बताने के लिए. देखिए, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, जो हम सेक्टर्स बात कर रहे हैं ठीक बजट से पहले, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके लिए बड़ी घोषणाएं और खासतौर से रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट हो सकता है, और उसमें चाय है, मसाले हैं, रबड़, ये ऐसे सेक्टर्स, ऐसे पॉकेट्स जिनसे जुड़ी हुई कंपनियों को बहुत फायदा होगा अगर ये रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट हो जाता है तो. और वैसे भी हमने देखा कि चाय कॉफी शेयर्स आउट परफॉर्म कर रहे थे दिसंबर में. एक बार राजेश जी आपसे भी जानना चाहेंगे, चाय कॉफी शेयर्स को ट्रैक कर रहे हैं क्या अभी भी आप? इनफैक्ट अभी जो हमारे पास खबर है वो ये कि चाय, कॉफी, मसाले और रबड़ से जुड़ी जो कंपनियां उनके लिए एक मेगा राहत पैकेज, रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट हो सकता है कि इस बजट में ऐलान हो जाए. चाय कॉफी शेयर्स पे आपकी राय? जी, चाय में टाटा ग्लोबल का एक आउट परफॉर्मेंस हमें कंटिन्यूस देखने को मिला, और स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में टाटा ग्लोबल एक बहुत अच्छा बैट होगा. इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है. इवन बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी भी इसमें अडॉप्ट करनी चाहिए. नीचे पे मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 290 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा इसमें कोई एज सच वीकनेस नहीं आएगी, और ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाता रहेगा. ऊपर के टारगेट मुझे लगता है 330-340 के टारगेट पे हमें शॉर्ट टू मीडियम
मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं टाटा ग्लोबल में। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन आप नजर रखिएगा, देखिए बजट से पहले का आउटलुक है और कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें अभी के हिसाब से चाय, कॉफी, मसाले और रबड़, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके लिए एक मेगा राहत पैकेज का अनाउंसमेंट हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते 20 मिनट की अगर ट्रेडिंग देखेंगे तो सिर्फ एडीएजी ही दिखाई देगा आपको। रिलायंस कैपिटल, इंफ्रा और पावर तीनों ही स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर पे और ये तेजी बढ़ रही है। 4-5% का एडिशन तो बीते 20 मिनट में कैपिटल और इंफ्रा में ऑलरेडी हो चुका है। तो ये तीनों स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय दिखाई देंगे आपको। मेरे साथ मनीष जी थाने से इस समय मौजूद हैं। मनीष जी नमस्कार। मनीष जी मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए सर। हाँ जी सवाल पूछिए। एक सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉल है ये 92.5 की दिसंबर सीरीज की। हाँ दिसंबर सीरीज की, जनवरी की नहीं, दिसंबर की। मैं अभी डेटा भी चेक कर रहा था, ये आपने ली है 75 पैसे के आसपास, राइट? दिसंबर की है ना सर? जी, ये होगी 45 पैसे। और कोई ट्रेड भी है मार्केट में? और निफ्टी की भी दिसंबर सीरीज की 105.5 की कॉल है। ये 13.6 अच्छा ठीक है, दोनों ही ट्रेड थोड़ा नेगेटिव हो गए हैं सर, अभी पोर्टफोलियो में आपको लॉस ही दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार पूछ लूं, स्टील अथॉरिटी ये अगले कुछ एक घंटे में आपको लगता है चल सकता है सर? राजेश जी अगर ये 93.50 या फिर 94 हो गया ना तो इनका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा इनके ट्रेड में। स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस तो है बट आज एक्सपायरी है तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड है। जब तक ये स्टॉक एक बार 93.50 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें लास्ट मतलब कुछ हमें एक्सपायरी के पहले एक्सटेंड देखने को मिलेगा। तो 93.50 एक हर्डल है इसका, स्टॉक का इमीडिएट। अगर वो क्रॉस कर लेता है तो जरूर इन्हें मुझे लगता है कि अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, 95-96 तक के भी लेवल आ सकते हैं। सो एक बार एक यहां से इमीडिएट एक स्टॉप लॉस या फिर देखें तो 92.50 एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 20 पैसे का, वो रख के इसमें बने रहे और 93.50 के ब्रेकआउट के बाद इन्हें अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। अच्छा, जो दूसरा ट्रेड है वो उन्होंने खरीद ली है कॉल दिसंबर सीरीज की 10,500 की निफ्टी की। अच्छा, उसी लेवल पे निफ्टी कामकाज कर रहा है, लेकिन यहां से 40-50 पॉइंट्स चलने की क्षमता है क्या निफ्टी में, तब जाके इनका ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा जिस लेवल पे इन्होंने खरीद लिया। लगता है निफ्टी 40-50 पॉइंट्स चल जाएगा एक्सपायरी से पहले? जी अभी तक का अगर मैं सेटअप देखूं निफ्टी का तो 10,500 के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे होल्ड कर रहा है मार्केट। सो मुझे लगता है एक मूव जरूर मार्केट को आना चाहिए 10,540 से 10,550 के आसपास। जरूरी नहीं कि एक्सपायरी वहां हो, लेकिन उसके आसपास एक बार मूव जरूर आएगा, उस समय जो भी इन्हें प्रीमियम मिलती है वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सो 10,540 का एक मूव एक्सपायर होने के पहले हमें लगता है कि आना चाहिए। चलिए, लेकिन एक ऐसा ट्रेड जो आपके पोर्टफोलियो में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से फेवरेबल है, तेजी का सौदा बताते हैं आपको। आज का सौदा